स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। और किस टॉपिक से ये रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ। ये जो टॉपिक है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिस के तौर पर होगा। आप लोग जानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिस नाम से किसी स्त्री जाति का होना पता चले उसे कहा जाता है स्त्रीलिंग। जैसे कि दादी, मामी, नानी, चाची, इसे क्या पता चल रहा है, स्त्री। इस तरह के नाम से हमें स्त्री जाति का होना पता चल रहा है, तो इस तरह के नाम को, इस तरह के शब्द को कहते हैं हम लोग स्त्रीलिंग। और जिस नाम से किसी पुरुष जाति का होना पता चले उसे कहते हैं हम लोग पुल्लिंग, जैसे कि दादा, मामा, नाना, चाचा, ठीक है। तो इस तरह ये सभी नाम, ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे, क्योंकि इस नाम से पुरुष जाति का होना पता चल रहा है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप जानते हैं, और इन्हीं दोनों जो ये जो दोनों टॉपिक है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस के तौर पर होगा। देखते हैं कि आप सभी लोग टोटल जितना भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराया जाएगा उसमें से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप लोग अपने हिसाब से 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा हो नहीं सकता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से क्वेश्चन ना पूछे, 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया जाए स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, ताकि प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो आप लोग फाइनल एग्जाम में फंसेंगे नहीं, चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। तो वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि स्वदेश का विलोम है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, अपोजिट वर्ड। ऑप्शन ए में है देश, बी में है अपना देश, सी में है देशीय, और डी में है परदेश। तो स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, और इसका अपोजिट क्या होगा, परदेश, यानी कि पराया देश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का सबसे पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन पर ला दी हूँ। दूसरा सवाल है कि धनवान का विलोम है, ऑप्शन ए में है निर्धन, बी में है धन, सी में है धनी, और डी में है धान। आप डायरेक्ट देख सकते हैं धनवान, जिसके पास धन हो उसको कहते हैं धनवान, और इसका अपोजिट हो जाएगा निर्धन, जिसके पास धन नहीं है निर्धन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसी तरीके से तीसरे सवाल का जवाब आप लोग बताइए। ह्रस्व का विलोम है, ऑप्शन ए में है हल्का, बी में है दीर्घ, सी में है भारी, और डी में है अपना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि उन्नति का विलोम क्या है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर बताना है कि वन का ए बी सी डी, जो भी आप लोगों को लग रहा है अपने हिसाब से वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ठीक है। 4 का चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, उन्नति का विलोम क्या है। ऑप्शन ए में है प्रगति, बी में है चाल, सी में है औन्नति, और डी में है ऊपर। तो उन्नति का अपोजिट वर्ड होता है, विलोम होगा औन्नति, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्थावर का विलोम है, ऑप्शन ए में है स्थाई, बी में है जंगम, सी में है टिकाऊ, और डी में है देर तक। आप लोग का प्रैक्टिस होते चलेगा, ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर बताते चले। स्थावर का विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड होता है जंगम, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुष्क का विलोम है, ऑप्शन ए में है सूखा, बी में है पुरवा, सी में है आर्द्र, और डी में है कोई नहीं। तो शुष्क का सही बात है, विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, आर्द्र, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पाश्चात्य का विलोम है, पाश्चात्य का विलोम होता है पौरस्त्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट शब्द लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान बस आप लोगों को रख लेना है कि हाँ ये लफ्ज़ का ये अपोजिट, इस शब्द का ये विलोम होगा, ये अपोजिट वर्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आदान का विलोम, ऑप्शन ए में है प्रदान, बी में है कदरदान, सी में है अज्ञान, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आदान का विलोम होता है प्रदान, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बस ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
कराने का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, विलोम शब्द से विपरीतार्थक शब्द से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ये आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जड़ का विलोम है। ऑप्शन ए में है नीचे, बी में है चेतना या फिर तना, सी में है धरती के अंदर और डी में है मिट्टी में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा ना, जड़ का विलोम तना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अधिकतम का विलोम है। ऑप्शन ए में है न्यूनतम, तो ऑब्वियसली बात है न्यूनतम ही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आशा का विलोम। विकल्प ए में है हताशा, बी में है निराशा, सी में है उम्मीद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आशा का निराशा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण का विलोम है। ऑप्शन ए में है राधा, बी में है गोरा, सी में है श्याम और डी में है काला। तो कृष्ण का विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, आप लोग खुद सोचें। कृष्ण का श्याम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गणतंत्र का विलोम है। गणतंत्र का अपोजिट वर्ड राजतंत्र होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अंत का विलोम है। ऑप्शन ए में आदि, बी में है ये आदि में बड़ी वाली ई की मात्रा है, ये आदि में छोटी वाली ई की मात्रा है, सी में है अनंत और डी में है समाप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आदि, अंत का आदि, ऑप्शन नंबर बी में। ये बड़ी वाली आदि नहीं, मतलब बड़ी वाली ई की मात्रा नहीं रहेगी, छोटी वाली ई की मात्रा इधर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है कि अस्त का उल्टा होता है। ऑप्शन ए में समाप्त, बी में है निरस्त, सी में है उदय और डी में है अंधेरा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उदय, अस्त का उदय। ठीक है, आप लोग सुने होंगे ना सूर्योदय और सूर्यास्त, तो उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर आंसर। आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके भी जिस शब्द का आपको पता नहीं चल रहा है कि विलोम क्या होगा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं से एक हिंट ज़रूर मिलता है कि हाँ इस शब्द का विलोम ये हो सकता है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि आयात का विलोम है। ऑप्शन ए में है सामान मांगना, बी में सामान कम पड़ना, सी में यातायात और डी में है निर्यात। तो ऑब्वियसली बात है आयात का अपोजिट होगा निर्यात, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आध का विलोम है। ऑप्शन ए में अंत्य, बी में अंत, सी में प्रारंभ और डी में शुरू। आध्य का विलोम होता है अंत्य, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जटिल का विलोम है। ऑप्शन ए में उलझा हुआ, बी में सरल, सी में सुलझा हुआ और डी में गुथा हुआ। तो जटिल का विलोम होगा सरल, 18 का ऑप्शन नंबर बी। ज्येष्ठ का विलोम है। ऑप्शन ए में बड़ा भाई, बी में बड़े चाचा, सी में कनिष्ठ और डी में छोटे चाचा। ठीक है, तो ज्येष्ठ इसका अपोजिट हो जाएगा कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो बोलते रहते हैं गांव देहात में ये तुम्हारे ज्येष्ठ हैं यानी कि बड़े हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की तम का विलोम है। ऑप्शन ए में अंधकार, बी में है अंधेरा, सी में है तुम्हारा और डी में है ज्योति। तो तम का विलोम होता है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी ज्योति। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों टॉपिक से संबंधित टोटल 20 क्वेश्चन किए प्रैक्टिस के तौर पर। आई होप आप लोगों ने 20 का 20 क्वेश्चन अटेंड किया है और आप लोगों ने कितना अपने हिसाब से क्वेश्चन सही कर पाया है कमेंट बॉक्स में लिखकर एक बार ज़रूर बता दें। और बाकी जो कुछ भी आप लोगों को समझाया गया अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आज के इस वीडियो से रिलेटेड तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूँ। बाकी चलिए मैं आप सभी लोगों से इसी के साथ विदा लेती हूँ और फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।